रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1000 रियाल का नया फाइन आ गया जी। देखिए फाइन तो बहुत है सऊदी अरेबिया में, मैं नहीं अपडेट करता इनके मुतालिक। जो चीज़ मुझे लगता है कि यार ये चीज़ बताने के लायक है वो चीज़ मैं आपके साथ भाई अपडेट कर देता हूँ। जैसा कि ये हमारी एक मिस्टेक है, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, हमारी एक छोटी सी मिस्टेक और भाई इस चीज़ के ऊपर हमें ग्रामा होगा। जैसा कि कोरोना के दिनों में, कोरोना पाबंदियों के दिनों में मैं मदीना शरीफ में था और मदीना शरीफ में ही हम 6 माह गुजारे फिर हमने, और हमारी परमिशन बहरहाल बनी हुई थी 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की, और उसके बाद या उससे पहले भाई घर से नहीं हम निकल सकते थे। आपको पता है लॉकडाउन के जो मामला चले थे पहले 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और उसके बाद 24 घंटे का कर दिया गया था। मदीना शरीफ से मैंने बहुत सी वीडियो लाइव शेयर की, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। मैंने आपको लाइव व्यू दिखाए थे मस्जिद नबवी के, और जो भी मामला कोरोना के दिनों में दिखाई दिए थे। बहरहाल जी, अगर बात कर लें हम इस ग्रामे के मतलब, मैं ये कोरोना की पाबंदियों के मतलब क्यों बात कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि उस दौरान भी ये खबर ऐसी एक अफवाह फैली थी कि आप कपड़े धोएं और कपड़े धोकर उसे धूप में डालें, बाहर डाल दें, कहीं भी रस्सी बांध कर धूप में कपड़े लटका दें, और उसके बाद दूसरी बात यह जी कि खुद धूप में बैठें। ये जो कोरोना वायरस है जी, ये धूप से भागता है या धूप से मर जाता है। यार क्या वो कोई बंदर बांधा हुआ था हमने साथ में? पहली तो बात ये थी, लोगों ने हमारी रिहाइश के ऊपर इस बात के ऊपर बहुत असर किया। लेकिन जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी और सबके साथ शेयर की, साथ में जो हमारे जितने भी थे वहाँ पर बंदे सबको मैंने बताया कि देखें ये सऊदी मीडिया की तरफ से खबर नशर की गई है और इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप ये सोच रखे हैं कि आप जो कपड़े धो रखे हैं वो धोकर लटकाएंगे धूप में ज़्यादा देर तक या खुद धूप में बैठेंगे तो कोरोना तो ख़त्म नहीं होगा, हाँ अलबत्ता आपको ताव लग जाएगा, आपको गर्मी हो जाएगी, ये हो सकता है क्योंकि मदीना की गर्मी अस्तग़फ़ार इतनी गर्मी पड़ती है कि बंदे की मत बच जाती है। अच्छा जी, बहरहाल इस ग्रामे के मतलब बात कर लेते हैं, वीडियो तो किसी और तरफ ही चलती जाएगी। ग्रामा ये है जी कि आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कोरोना की पाबंदियों में हमने कपड़े धोए, बाहर धूप में लटका दिए, ये वो, या आप किसी जैसे जद्दा जैसा कि रियाज किसी बड़े शहर में हैं तो आप भाई कपड़े धोते हैं, जगह नहीं है भाई, मैं तो एक हमने लिया हुआ है गुरुफा और उसमें यह एक शुगा लिया हुआ है, उसमें भाई कैसे लटकाएं, तो यार छत के ऊपर लटका लें वो बेस्ट है। आप अपनी खिड़की में कपड़े लटका दें या खिड़की के बाहर एक रस्सी बांध कर उस पर कपड़े अपने धोकर लटका दें, उस सूरत में आपके ऊपर 1000 रियाल का ग्रामा होगा। जी भाई बिल्कुल, यानी कि बाहर से अगर आपके कपड़े दिखाई दे रहे हैं खिड़की से लटक रहे हैं नीचे, और फिर आपके ऊपर भाई 1000 रियाल का ग्रामा है, कोई भी देखेगा आपकी पिक्चर लेगा सेंड करेगा, वो उसी टाइम आएंगे आपको 999 के ऊपर या 911 के ऊपर देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही है जी, या पिक्चर देखेंगे बिल्कुल इसी बिल्डिंग की है बिल्कुल, तो भाई ये कौन रहता है इधर, तो 1000 रियाल का ग्रामा। तो कपड़े धोने के ऊपर भी अभी ग्रामा है भाई, धोएं लेकिन उनको सुखाने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढें जैसा कि आप अपने टीवी लॉन में डाल रहे हैं, छत के ऊपर डाल रहे हैं, वो बेस्ट है, बालकोनी में या बाहर रस्सी बांधकर मत लटकाइएगा।